हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव रॉड्स व्हिच आर टिपिकली एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, जिसको एच इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है, बोर्डेटेला पर्टुसिस, जो पे हुपिंग कफ कॉज करवाएगा, ठीक है, एंड लीजियोनेला निमोफिलिया, और उसके अलावा लीजियोनेला निमोफिलिया। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा एंड बोर्डेटेला पर्टुसिस आर फाउंड ओनली इन ह्यूमंस, व्हेयरएज लीजियोनेला निमोफिलिया इज फाउंड प्राइमरीली इन द एनवायरमेंटल वाटर सोर्सेज, ठीक है। जो एच इन्फ्लुएंजा और बोर्डेटेला पर्टुसिस है, ये ओनली ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। इसके रिजर्वायर्स कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस। लेकिन जो लीजियोनेला निमोफिलिया है, ये जो वाटर सोर्सेज है, एनवायरमेंटल वाटर सोर्सेज, उनके अंदर आपको मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोफाइलस की। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, स्मॉल ग्राम नेगेटिव रॉड, कोकोबेसिलस। अगर हम इसको देखें तो ये देखने में कोकाए या बेसिलाए दोनों तरह के नजर आएंगे, यानी कि ये छोटे छोटे रॉड्स होते हैं, ठीक है। तो पर्सन मे कंफ्यूज दैट दे आर कोकाए और दे आर बेसिलाए, इसी मुनासबत से इनको कोकाए बेसिलाए बोलते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होती है इनकी, इन बिटवीन स्ट्रक्चर होती है। कोकाए और बेसिलाए दोनों तरह के इनकी फॉर्म नजर आ रही होती है, यानी कि छोटे छोटे रॉड्स होंगे, ऑलमोस्ट राउंडेड, लेकिन थोड़े थोड़े पॉइंटेड होंगे, रॉड्स की तरह के होंगे, ठीक है। पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, इनके पास पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होता है। सिक्स सीरोटाइप्स, टाइप बी कॉज मोस्ट ऑफ द सीवियर इन्वेसिव डिजीजेस, इसके सिक्स सीरोटाइप्स हैं, और उनमें से जो टाइप बी है वो सीवियर इन्वेसिव डिजीजेस कॉज करते हैं, सच एज मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। Unencapsulated strains can also cause disease, especially diseases of the upper respiratory tract such as sinusitis and otitis media, but are usually non-invasive. जो unencapsulated strain है वो usually non-invasive है, वो invade नहीं करते हैं। जब वो invade नहीं करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ जो typical diseases हैं वही cause करवा सकते हैं, for example sinusitis, inflammation of the air sinuses, ठीक है। उसके अलावा ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल एयर इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। और उसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो भी है वो कॉज हो सकती है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन लेबोरेटरी मीडिया रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, हीम फैक्टर, जिसको फैक्टर 10 का नाम देते हैं, एंड NAT, फैक्टर 5 का नाम दिया जाता है, ठीक है, फॉर एडिक्वेट एनर्जी प्रोडक्शन। इससे क्या करेंगे, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। NAD क्या होता है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, NAD, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ट्रांसमिशन इसकी कैसे होगी, एच इन्फ्लुएंजा इन्फेक्ट्स ओनली ह्यूमन, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर डिजीज क्रिएट करेगा। देयर इज नो एनिमल रिजर्वायर, इसका कोई भी एनिमल रिजर्वायर नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही आपको मिलेगा। इट इंटर्स द बॉडी बाय द इनहेलेशन ऑफ एयर बोर्न ड्रॉपलेट्स, ये बॉडी के अंदर कैसे इंटर होगा, थ्रू एयर बोर्न, ठीक है। जिस वक्त कोई पेशेंट सांस लेगा तो उसके जो सांस के थ्रू एयर ड्रॉप्स निकलेंगे, ठीक है, उन्हीं एयर ड्रॉप्स को अगर कोई दूसरा पर्सन इनहेल कर लेगा तो इस सूरत में ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होगा, resulting in either asymptomatic colonization or infection such as otitis media, sinusitis or pneumonia. या तो ये asymptomatically colonize हो सकता है, ठीक है, उस colonize होगा और grow करेगा, ठीक है, symptoms create नहीं करेगा। अगर symptoms create करेगा तो कौन से symptoms create कर सकता है, it can cause sinusitis, inflammation of the paranasal sinuses, paranasal sciences और air sciences, ठीक है, दोनों नाम है उसके। उसके अलावा otitis media inflammation of the middle ear and pneumonia inflammation of the lung parenchyma is called pneumonia, ठीक है, अगर lung infection कॉज करेगा तो pneumonia कॉज करवा सकता है, upper respiratory tract infection कॉज करवा सकता है जिसमें sinusitis है, otitis media कॉज करवा सकता है जिसमें inflammation of the middle ear। Pathogenesis of H. influenza involves its anti-phagocytic capsule, ये
कैसे पैथोजेनेसिस का करवाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स एंटी फैगोसाइटिक कैप्सूल, बिकॉज ऑफ इट्स कैप्सूल मैक्रोफेजेस कैन नॉट इनगल्फ इट एंड कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स स्ट्रक्चर, IgA प्रोटीएजेस, उसके अलावा हमारे जितने भी जो बॉडी कैविटीज हैं उनके अंदर एक सेक्रीशन, एक एंटीबॉडी रिलीज होती है, एक एंटीबॉडी पाई जाती है जिसको IgA बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ट्रेकिया है, ब्रोंकाइया, ठीक है, उसमें उनकी जो सर्विसेज हैं म्यूकोसल सर्विसेज, उसमें IgA एंटीबॉडी मिलेगी। उसके अलावा हमारा जो GI सिस्टम है उसमें भी आपको क्या है, IgA एंटीबॉडीज मिलेगी, ठीक है। तो इसके पास कौन सी एक ऐसी चीज होती है, इसके पास IgA प्रोटीएज होता है, काम क्या करेगा, ये IgA एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा एंड एंडोटॉक्सिन, और उसके अलावा इसके पास एंडोटॉक्सिन होती है, नो एक्सोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस, ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एन IgA प्रोटीएज that degrades secretory IgA, thus facilitating attachment to the respiratory mucosa. जब ये IgA antibody को destroy कर देगा, then there will be no restriction for this organism to attach to the respiratory mucosa. It can easily attach to the respiratory mucosa and invade respiratory mucosa. After becoming established in the respiratory tract, the organism can enter the bloodstream. जब ये respiratory mucosa में establish हो जाएगा, उस जगह पे colonize हो जाएगा, colonize होने के बाद ये bloodstream के अंदर enter होगा, यानी कि पहले तो ये attach होगा, attach होने के बाद उस जगह पे अपनी colonies बनाएगा, multiplication होगी, ठीक है, multiplication के बाद फिर ये आगे invade करना start करेगा, bloodstream में चला जाएगा, जिसको हम bacteremia का नाम देते हैं, and spread to the meninges, और वहां से किस जगह तक पहुंच जाएगा, टू द मेनिंजीज। जब ये मेनिंजीज तक पहुंच जाएगा तो मेनिंजीज को इरिटेट करेगा और उनकी इंफेक्शन काज करवाएगा, जिसको हम मेनिंजाइटिस का नाम देते हैं। मेनिंजाइटिस इज कॉज्ड प्राइमरीली बाय द इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स। जो मेनिंजाइटिस है वो प्राइमरीली जो इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन है उनकी वजह से होगा, बट नॉन इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स आर फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्ड इन ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस एंड न्यूमोनिया। मैं पहले भी एक बात बता चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स हैं वो इन्वेड कर सकती हैं, वो इन्वेड इन्विजन कर सकती हैं, जो नॉन इनकैप्सुलेटेड हैं वो इन्वेड नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो नॉन इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स हैं वो ओटाइटिस मीडिया काज करवाएंगे, साइनोसाइटिस काज करवाएंगे, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करवाएंगे, लंग पैरेन्काइमा की इन्फेक्शन काज करवा देंगे, ठीक है, लंग पैरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन काज करवा देंगे। लेकिन जो इन्वेजन कर सकती हैं वो कौन सी हैं, इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स दैट कैन कॉज मेनिंजाइटिस। मोस्ट इन्फेक्शन अकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 मंथ एंड 6 इयर्स। मोस्टली जो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की जो इन्फेक्शन हैं वो चिल्ड्रन से, ठीक है, बच्चों को इन्फेक्ट करेगा, किस एज में करेगा, 6 मंथ एंड 6 ईयर, यानी कि 6 महीने से लेकर 6 साल तक की उम्र के दरमियान ये उनमें इन्फेक्शन कॉज करवाएगा और बीमारी पैदा करेगा। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, मेनिंजाइटिस रैपिड ऑनसेट ऑफ फीवर, इसमें अचानक फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा विद चिल्स एंड राइगर, पेशेंट विल ऑल्सो हैव हेडेक एंड स्टिफ नेक, नेक स्टिफनेस इसमें मिलेगी अलॉन्ग विद ड्राउजीनेस, और उसके अलावा ड्राउजीनेस होगी। साइनोसाइटिस एंड ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरानाइजल साइनसेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओटल एयर पेन इन द अफेक्टेड एरिया, और उसके अलावा जो भी एरिया अफेक्टेड होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर पैरानाइजल साइनसेस की इन्फ्लेमेशन होगी तो हेडेक वगैरह होगा, ठीक है, उसके अलावा अगर ओटाइटिस मीडिया का इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल एयर होगी तो मिडल एयर की पेन होगी, पैसिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्टेड साइनसेस, और उसके अलावा जो साइनसेस अफेक्टेड होंगे जब हम स्कल का एक्सरे लेंगे तो उस जगह पे ओपेसिफिकेशन नजर आएंगे, ठीक है, ओपैक नजर आएगा, वाइटिस नजर आएगा, रेडनेस विद बल्जिंग ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और उसके अलावा अगर हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कान का जो पर्दा होता है ना उसको मेडिकल टर्म में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के नाम से उसे जाना जाता है, हमारी लेमैन टर्म में उसे कान का पर्दा बोला जाता है लेकिन मेडिसिन में उसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का मुआयना करें, ठीक है, तो वो एक तो
रेड नजर आएगी, ठीक है, और दूसरे नंबर पे बल्ज नजर आएगी. बल्ज क्यों नजर आएगी? बिकॉज ऑफ purulent discharge in the middle ear, it will cause bulging of the tympanic membrane, ठीक है. उसके अलावा जो upper respiratory tract के infection में और कौन सी चीज cause करवा सकते हैं? Epiglottitis, inflammation of the epiglottis, which can obstruct the airway. Because of this, airway obstruction हो सकती है, shortness of breath हो सकती है, swollen cherry red epiglottis is seen. अगर हम उसका मुआयना करें तो cherry red यानी कि रेड कलर का हमें एपिग्लोटिस नजर आएगा. सेप्टिक आर्थराइटिस, ठीक है, यानी कि इंफेक्शन की वजह से जो आर्थराइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होगा, उसको सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं. सेलुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेल्स. एंड सेप्सिस, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया विद साइन एंड सिम्टम इज कॉल्ड सेप्सिस. एनी कंफ्यूजन? समझ आ रही है? Yes, sir. उसके बाद है लैब डायग्नोसिस. मॉर्फोलॉजी, स्मॉल नॉन मोटाइल ग्राम नेगेटिव कोको बेसिलस और शॉर्ट रॉड्स. कल्चर ऑन द चॉकलेट अगार. सीरोलॉजिक टेस्ट हम इसके कर सकते हैं. वैक्सीन, द वैक्सीन कंटेन द कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड ऑफ एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी कंजुगेट टू डिप्थेरिया टॉक्साइड, यानी कि डीपीटी के साथ इसको दिया जाता है, और अदर कैरियर प्रोटीन्स या कोई और कैरियर प्रोटीन के साथ इसको दिया जा सकता है, ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द कैरियर प्रोटीन इट इज गिवन सम टाइम बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 15 months. यानी कि इसको किस टाइम पे दिया जाता है? जिस वक्त बच्चे की एज 2 महीने से लेकर 15 मंथ तक होती है, ये उस वक्त डीपीटी के साथ डिप्थीरिया पर्टसिस टॉक्साइड के साथ मिला के इसको दिया जाता है, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं बॉर्डेटेला की. बॉर्डेटेला पर्टसिस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, स्मॉल ग्राम नेगेटिव रॉड कोको बेसिलस सेम, यानी कि ये भी स्मॉल रॉड्स होंगे. समवन मे कंफ्यूज लाइक दीज आर कोकाए, समवन विल से दैट दीज आर बेसिलाए, बट देयर स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन कोकाए एंड बेसिलाए, ठीक है. पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, दे कंटेन positive agent of whooping cough, they will cause whooping cough. Fastidious organism, broadet, gingo, culture media is used which contain high percentage of blood and potato glycerol. Fastidious organism इसको क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की, कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हीं की मौजूदगी में ये ग्रो कर सकते हैं. अगर अगार में वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ना हों तो ये ग्रो नहीं करेंगे. क्लियर है सर? आपने अभी इन बिटवीन वाली क्या बात की है, वो आपकी बात समझ नहीं आई है. जी जी सर, अभी आपने इन बिटवीन वाली कोई बात आप बता रहे थे, वो स्लाइड में भी मेंशन नहीं है, स्टार्ट में जो आपने बताया. समझ नहीं आ रही आपकी, दोबारा बोलें प्लीज. सर, इस स्लाइड के स्टार्ट में आपने कुछ इन बिटवीन करके कुछ लाइन बोली थी इंग्लिश में, वो समझ नहीं आई कि आपने क्या बोला. दोबारा बोल देता हूं, चल दोबारा बोल देता हूं. ग्राम नेगेटिव रॉड, ठीक है, ये छोटे-छोटे ग्राम नेगेटिव रॉड्स होंगे, यानी कि कोकाए और बेसिलाए के इन बिटवीन इसकी स्ट्रक्चर होगी. पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होता है इनके पास. पॉजिटिव एजेंट ऑफ हूपिंग कफ, ये वाले जो बॉर्डेटेला पर्टसिस है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसको हूपिंग कफ का नाम दिया जाता है, ठीक है, बच्चों में होती है. फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म, ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की मौजूदगी में ही ग्रो करेगा. अगर अगार के अंदर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो ये ग्रो नहीं करेगा, ठीक है. क्लियर है? ये चीजें इसके अंदर. ओके सर. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, स्मॉल ग्राम नेगेटिव रॉड कोको बेसिलस, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, पॉजिटिव एजेंट ऑफ हूपिंग कफ, फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म, ब्रोडेट, जीनस, कल्चर मीडिया. ये उस कल्चर मीडिया का नाम दिया गया है जिसमें हम इसे लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करेंगे, ठीक है. ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है? बॉर्डेटेला पर्टसिस इन्फेक्ट्स ओनली ह्यूमन, देयर इज नो एनिमल रिजर्वायर.
ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है और ह्यूमंस के अंदर ही मिलेगा, एनिमल रिजर्वाइज का कोई नहीं है उसके अलावा, ह्यूमंस के अलावा, ठीक है। ट्रांसमिटेड बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, कैसे ट्रांसमिट होगा, सेम जस्ट लाइक हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये भी एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होगा, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सीवियर कफिंग एपिसोड्स। जो एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स होते हैं वो किस टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, जिस टाइम पे सीवियर कफिंग एपिसोड, जिस वक्त वो जब पेशेंट होगा वो सीवियरली कफ कर रहा होगा, ठीक है, उस टाइम पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है, सेवरल फैक्टर्स प्ले अ रोल इन द पैथोजेनेसिस, अटैचमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द सिलिया ऑफ द एपिथेलियल सेल्स इज मीडिएटेड बाय अ प्रोटीन ऑन द पिलाई कॉल्ड फिलामेंटस, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म की सिलिया के साथ अटैचमेंट जो कि एक प्रोटीन की वजह से होती है जिसको हम फिलामेंटस का नाम देते हैं, हीम एग्लूटिन, फिलामेंटस हीम एग्लूटिनिन, एंटीबॉडी अगेंस्ट द फिलामेंटस हीम एग्लूटिनिन इनहिबिट्स द अटैचमेंट ऑफ अटैचमेंट एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अगेंस्ट द डिजीज। हमारी बॉडी अगर पहले इस एंटीजन से एक्सपोज हो चुकी हो तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर होती हैं, ठीक है। वो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होती है, फिलामेंटस हीम एग्लूटिनिन के अगेंस्ट, ठीक है। तो वो इस प्रोटीन को इनहिबिट करेगी और इसकी अटैचमेंट को इनहिबिट करेगी, जब इसकी अटैचमेंट को इनहिबिट करेगी तो इन टर्न वी विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस डिजीज। पर्टुसिस टॉक्सिन एडीपी राइबोसाइलेशन टू द इनहिबिटरी सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जी आई प्रोटीन, जी आई का मतलब होता है जी इनहिबिटरी प्रोटीन। ये एटीपी राइबोसाइलेशन करवा देंगे, ठीक है, टू द इनहिबिटरी सब यूनिट ऑफ द जी प्रोटीन। अगर आप लोगों ने क्या आप लोगों ने पहले फार्मा पढ़ लिया या नहीं पढ़ी अभी, क्या आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़ चुके हो या नहीं? सर पढ़ रहे हैं, फार्मा 1 पढ़ लिए, फार्मा 2 पढ़ रहे हैं अभी। आपने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पढ़े हैं उधर? हाँ जी सर पढ़े हैं जी। उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक जी स्टिमुलेटरी होता है और एक इनहिबिटरी होता है, ठीक है। पर्टुसिस टॉक्सिन ने काम क्या करना होता है, इसने इनहिबिटरी जो पोर्शन है उसको इनहिबिट करना होता है, उसको इनहिबिट कर देता है जी आई को। एडीपी राइबोसाइलेशन टू द इनहिबिटरी सब यूनिट ऑफ द जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेट्स एडीनालाइल साइक्लेज, इसने एडीनालाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करना है, ड्राइज इन द साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करेगा, साइक्लिक एएमपी डिपेंड then protein kinase activity will increase results in edema of the respiratory mucosa that contributes to the severe cough of pertussis. जब cyclic AMP dependent protein kinase की activity ज़्यादा होगी तो उसकी activity की वजह से जो respiratory mucosa होगा उसका edema होना start हो जाएगा, यानी कि उसमें fluid इकट्ठा होना start हो जाएगा। जब fluid इकट्ठा होगा तो उसकी वजह से जो airway होगा वो narrow हो जाएगा, narrow होने की वजह से जो secretions होंगी वो बाहर नहीं निकल सकेंगी और उसकी वजह से क्या होगा, कफ स्टार्ट हो जाएगी, जिसको पर्टुसिस बोलते हैं, कफ ऑफ द पर्टुसिस। पर्टुसिस टॉक्सिन आल्सो इनहिबिट्स सिग्नल ट्रांसडक्शन बाय कीमोकाइन रिसेप्टर्स व्हिच इवेंचुअली लीड्स टू द लिम्फोसाइटोसिस। जो पर्टुसिस टॉक्सिन है इसकी वजह से लिम्फोसाइटोसिस होगा, ठीक है। लिम्फोसाइटोसिस क्या होगा, लिम्फोसाइट्स का लेवल बॉडी के अंदर रेज करेगा, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म आल्सो सिंथेसाइज एंड एक्सपोर्ट एडिनालाइल साइक्लेज, जो ऑर्गेनिज्म है बॉर्डेटिला पर्टुसिस वो क्या करता है, एडिनालाइल साइक्लेज को प्रोड्यूस करता है और उसको बाहर एक्सपोर्ट करता है, यानी कि सेल अपने सेल से बाहर निकालेगा। दिस एंजाइम व्हेन टेकन अप बाय फैगोसाइटिक सेल्स, जब इस एंजाइम को फैगोसाइटिक सेल्स अपटेक करेंगे, फैगोसाइटिक सेल्स होते कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, इसमें स्पेसिफिकली जब भी प्राइमरी इन्फेक्शन होती है तो न्यूट्रोफिल्स सामने आते हैं सबसे पहले, ठीक है। कैन इनहिबिट देयर ब्रिटिसाइटल एक्टिविटी, तो ये जो एंजाइम एडिनालाइल साइक्लेज है, एडिनालाइल साइक्लेज ने काम क्या करना है, उसकी ब्रिटिसाइटल एक्टिविटी को इनहिबिट कर देना है, ठीक है। ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन इज अ फ्रेगमेंट ऑफ द बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन। ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन, साइटो का मतलब होता है सेल, टॉक्सिन का मतलब होता है यानी के
टॉक्सिन जो उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करे. ट्रेकियल सेल्स को जो डिस्ट्रॉय करते हैं इज अ फ्रेगमेंट ऑफ द बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन. वो जो टॉक्सिन है वो बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन का एक पार्ट है. दैट डैमेजेस सिलिएटेड सेल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक. वो जो पेप्टाइडोग्लाइकन जो साइटोटॉक्सिक पार्ट है बैक्टीरियल सेल का, उसने काम क्या करना होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिलिया है उसको डैमेज करना है. ट्रेकियल साइटोटॉक्सिन अपीयर्स टू एक्ट इन कंसर्ट विद एंडोटॉक्सिन टू इंड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड. इसने काम क्या करना होता है कि एंडोटॉक्सिन के साथ मिलकर काम करेगी और नाइट्रिक ऑक्साइड इंड्यूस करेगी, विच किल्स द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स. और उस नाइट्रिक ऑक्साइड ने काम क्या करना होता है, जो सिलिएटेड एपिथेलियम है उसको डिस्ट्रॉय करना है. जब सिलिएटेड एपिथेलियम डिस्ट्रॉय होगी तो सिलिया डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे. सिलिया का काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो सिक्रीशंस बन रही होती हैं या कोई फॉर्म एंटीजन या कोई फॉर्म बॉडी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर अगर चली जाए तो सिलिया की मूवमेंट उसको बाहर की तरफ प्रोपेल करती है. ठीक है, उसको उठा के बाहर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके आती है. सिलिया की वजह से जो सिक्रीशंस हमारे लंग्स के अंदर बनती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ प्रोपेल की जाती हैं और इवेंचुअली जिस्म से बाहर निकाल दी जाती हैं. जो फॉर एग्जांपल स्पूटम वगैरह बनती है उसको भी बाहर किस तरह निकाला जाता है, सिलिया की हेल्प से. अगर कोई फॉरेन बॉडी चलेगी या हम खांसी करते हैं खांसी के साथ और सिलिया की हेल्प से उस फॉरेन एंटीजन को या एंटीबॉडी को जो फॉरेन बॉडी होगी उसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है. लेकिन इसमें पर्टसिस टॉक्सिन ने काम क्या करना है, उस सिलिया को डैमेज करना स्टार्ट कर देगी, उस सिलिया को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करेगी. द ऑर्गेनिज्म अटैच टू द सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बट डू नॉट इनवेड द अंडरलाइंग टिश्यू. जो ऑर्गेनिज्म होगा वो सिलिएटेड एपिथेलियम के साथ अटैच होगा लेकिन अंडरलाइंग टिश्यूज में वो इन्वेड नहीं होगा. डिक्रीज द सिलिया एक्टिविटी एंड सब्सिक्वेंट डेथ ऑफ द सिलिया. काम क्या करेगा, सिलिया की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा. किस तरह एक्टिविटी डिक्रीज होगी, जैसे आहिस्ता आहिस्ता सिलिया खत्म होते जाएंगे उनकी एक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, सिलिएटेड एपिथेलियम की डेथ होगी. सेल्स आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पैथोजेनेसिस. इस यही इसके पैथोजेनेसिस का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जिस वक्त सिलिया नहीं होंगे, जो भी कोई फॉरेन एंटीजन या कोई भी फॉरेन बॉडी अगर कोई चली गई है या जो स्पूटम प्रोडक्शन हो रही है उसको बाहर नहीं निकाल सकेगा. उसके अलावा इसने काम किया क्या है कि जो मिकोजा है उसकी म्यूकोसल एडिमा काज करवाया. म्यूकोसल एडिमा की वजह से जो एयरवेज हैं वो नैरो हो गए. नैरो होने की वजह से एयरवे नैरो होने की वजह से कफ होगी और ये दोनों मैन के जो प्रोसेस हैं वो मिलके कफ को एग्रवेट करेंगे, जिसको हुपिंग कफ का नाम दिया जाता है. हुपिंग कफ अक्यूट ट्रेकियल ब्रोंकाइटिस बिगिंस विद माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक. ट्रेकिया ब्रोंकाइटिस यानी कि ट्रेकिया की और ब्रोंकाई की इन्फ्लामेशन होगी. ठीक है, begins with mild upper respiratory tract symptoms. Start होगी आहिस्ता इसमें mild upper respiratory tract symptoms होंगे by a severe paroxysmal cough. रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा खांसी होगी which last from 1 to 4 weeks और ये खांसी 1 से 4 हफ्ते तक रहेगी. The paroxysmal pattern is characterized by a series of hacking cough accompanied by production of copious amount of sputum that ends with an inspiratory whoop as air rushes past the narrowed glottis. isme kya hoga, raat ke time pe shadeed qisam ki khansi hogi aur khansi ke sath large amount of sputum production hogi. theek hai, copious ka matlab hota hai kafi zyada amount mein sputum mucus production hogi, mucus ko bahar nikalega. theek hai, that ends up with an inspiratory whoop. इंस्पिरेटरी होप क्यों होती है, एक तो एपिग्लोटिस इन्फ्लेमेशन की वजह से नैरो हुआ होता है. ठीक है, उसके अलावा जो ट्रेकिया है ब्रोंकाई है वो भी नैरो होते हैं और जो उसके अलावा चीज़ होती है म्यूकस पड़ी होती है. ठीक है, सिलिया डैमेज हो गए हैं, जब सिलिया डैमेज हो जाएंगे तो म्यूकस को एक फाइन तरीके से बाहर नहीं निकाल सकेंगे. जब फाइन तरीके से बाहर नहीं निकाल सकेंगे तो वो एयरवेज के अंदर स्टे करेगी और जब एयर उस म्यूकस के अंदर से पास करेगी तो एक अजीब किस्म की साउंड प्रोड्यूस होगी. उस साउंड को हूप का नाम दिया जाता है और उसी मुनासबत से इसका नाम क्या है, हूपिंग कफ. ठीक है, नैरो एयरवेज और उस नैरो एयरवेज के अंदर क्या है,
म्यूकस बढ़ी हुई है और उस म्यूकस के अंदर जब पेशेंट सांस लेगा तो हवा जब उस म्यूकस के अंदर से पास होके आगे हमारे एल्वियोलाई तक पहुंचेगी तो एक स्पेसिफिक किस्म की साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको कूफ का नाम दिया जाता है और उसी वजह से इसका नाम क्या है, कूफिंग कफ। ऑर्गेनिज्म इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड ब्लड कल्चर्स आर नेगेटिव। ये ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, ब्लड में नहीं जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया कॉज नहीं करवाएगा। इसलिए अगर हम ब्लड कल्चर करेंगे भी तो क्योंकि ये ब्लड में जाता नहीं है इसलिए ब्लड कल्चर नेगेटिव आएगा। अ प्रोनाउंस्ड लिकोसाइटोसिस विद अप टू 70% लिम्फोसाइट्स इज सीन। इसमें क्या होगा, लिकोसाइटोसिस होगा अच्छा खासा और उसमें आपको ज्यादा कौन से सेल्स मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स। मैंने पहले भी आपको बताया कि इसकी जो टॉक्सिन है, ठीक है, बोर्डरिचिला टॉक्सिन जो है वो लिम्फोसाइटोसिस का असर होती है, लिम्फोसाइट्स का जो लेवल है उसको इंक्रीज करवाएगी। Adults with a cough lasting several weeks, often called 100 days cough, should be evaluated for infection with Bordetella pertussis. Adults के अंदर अगर cough हो जो कि काफी ज्यादा वीक से हो, ठीक है, जिसको 100 days cough का नाम भी दिया जाता है, यानी कि पिछले कई हफ्तों से cough है, तो उसको हम suspect कर सकते हैं कि ये Bordetella pertussis की वजह से हो सकती है, तो उसके लिए फिर हम उसे evaluate करेंगे, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द बोर्डेटेला पर्टुसिस, फर्स्ट वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, उसके बाद गटरल फेज है, रनी नोज, मेलेस, फीवर वगैरह होगा, ठीक है, अगले दो हफ्तों में, उसके अगले चार हफ्तों में क्या होगा, काफ, वॉमिटिंग, ल्यूकोसाइटोसिस। काफ इस सारे प्रोसीजर के दरमियान में चलती रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता कन्वल्सेंस फेज यानी कि रिकवरी फेज। ये एक पूरा ग्राफ उसका दिया गया है। लैब डायग्नोसिस स्पेसिमेन लिया जाएगा, ठीक है, पोस्ट नेजल स्वैब ली जाएगी, ठीक है, कफ प्लेट के ऊपर लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक ग्राम नेगेटिव कोकोबेसिलाई फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्ट्रेन। कल्चर में हम क्या करेंगे, ब्रोडेट जेंगो मीडियम, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मर्करी ड्रॉप पर्ल अपीयरेंस कॉलोनीज, जिस तरह का मर्करी के ड्रॉप्स होते हैं उसी तरह की उसकी आपको कॉलोनीज नजर आएंगे। मर्करी आप अगर देखें बड़ा शाइनिंग किस्म की होती है, ठीक है, और उसी किस्म की उसकी कॉलोनीज नजर आएंगी। आइडेंटिफिकेशन माइक्रोस्कोपी एंड स्लाइड एग्लूटिनेशन करवाएंगे। एंटीबायोटिक्स इसके लिए कौन सी यूज की जा सकती हैं, एरिथ्रोमाइसिन एंड कोट्राइमोक्सासोल। आज यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, इसके बाद हम